हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, नमस्ते, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक और वेलकम एक बार फिर से भारत के सभी फ्यूचर डॉक्टर्स का आपकी अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत खास होने लगी बिकॉज आज हम बात करेंगे ऐसे बच्चों के जिनके मार्क्स नीट एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नहीं हैं। जी हाँ, ऐसे बच्चे जिनके लो मार्क्स हैं और वो MBBS करना चाहते हैं। तो दोस्तों, ऐसे बहुत से कॉलेज इंडिया में हैं जो हैं तो प्राइवेट बॉडी के, लेकिन जिनकी जो फीस है वो गवर्नमेंट कॉलेज के समथिंग ही है। जी हाँ, आपने सही सुना, आज हम बात करेंगे देश के सबसे सस्ते प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के बारे में, उनकी फीस क्या रहती है और उनका कट ऑफ क्या रह सकता है। जैसे आप सभी को पता है कि अगर आपको भारत में MBBS करना है गवर्नमेंट कॉलेज से, तो आपके जो मार्क्स हैं वो 580 प्लस होने चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज के अकॉर्डिंग जब प्राइवेट में जाते हैं तो वहाँ पे आपको 450-400 पे भी MBBS मिल जाता है। तो कुछ एक ऐसे कॉलेजेस हैं, लिस्ट आपके सामने आने वाली है, आप उन कॉलेजेस में कोई बेस्ट सिलेक्ट कर लें, उनकी फ़ीस आपके अगर बजट में है तो आप पे कर सकते हैं और उस कॉलेज से MBBS भी कर सकते हैं। फीस बेहद कम है, कुछ कॉलेज हैं जिनकी फ़ीस तो गवर्नमेंट कॉलेज के अकॉर्डिंग ही है, उससे भी कम है। वहीं पर कुछ कॉलेज ऐसे जिनकी फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा है, मतलब 1 लाख प्लस में है, तो वो भी कुछ ज़्यादा नहीं है, आप उन कॉलेज की फ़ीस भी पेड कर सकते हो। तो ये टॉपिक की शुरुआत करते हैं, देखते हैं एक एक कॉलेज में फुल इन्फॉर्मेशन, वो कॉलेज कब एस्टेब्लिश हुआ था और उसकी फ़ीस क्या है। सो फ्रेंड्स, आपके सामने वो लिस्ट है जिनकी फ़ीस जो है गवर्नमेंट कॉलेज की तुलना में उसी अकॉर्डिंग है, या ये कहें कि समथिंग ही है नियर अबाउट गवर्नमेंट कॉलेज। दोस्तों, आप देख रहे हैं जो पहला कॉलेज आपका है, जी हाँ, RG कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कलकत्ता, और ये जो है एशिया का सबसे पहला प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। इस समय दोस्तों की जो फीस MBBS की वो फर्स्ट ईयर में 18,520 रुपीज़ है, सेकेंड ईयर में 12,000 है। लिस्ट आपके सामने है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, और टोटल फीस जो MBBS प्रोग्राम की है वो 66,520 रुपीज़ है। अब यहाँ पर कुछ एक एक्स्ट्रा फीस आपको पड़ सकती है, जैसे हॉस्टल या मेस वगैरह की, वो फीस इंक्लूडेड नहीं है। MBBS की जो फीस है, ट्यूशन फ़ी है, वो आप देख रहे हैं। आप इस कॉलेज को भी अपना फर्स्ट चॉइस बना सकते हैं। इसके अलावा आपके पास और भी ऑप्शन, जिसमें कि आपका दूसरा कॉलेज है बेंगलुरु मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु, इसकी जो फीस है वो टोटल 5 ईयर की जो है वो 72,670 है, और ये कॉलेज भी वन ऑफ दी बेस्ट प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में आता है। आप इसको भी देख सकते हैं एक बार, फर्स्ट ईयर की जो फीस है MBBS की है वो 23,670 आती है। दोस्तों, नेक्स्ट हमारा है क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, नाम तो आप सबने सुना ही होगा और काफ़ी ट्रेंडिंग में रहा है। जब भी हम बात करते हैं देश के बेस्ट मेडिकल कॉलेज की, तो वहाँ पर भी क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज का नाम जरूर आता है। इसकी जो फीस है वो भी बहुत कम है, यानी फर्स्ट ईयर में आपकी जो फीस पड़ेगी वो 40,330 समथिंग पड़ेगी। टोटल फीस की बात करें दोस्तों, तो ये है 1,12,750 रुपीज़। आप इसको भी देख सकते हैं, देश के वन ऑफ दी बेस्ट कॉलेजेस में आता है और हमेशा से जो है टॉप 10 जो रैंक आता है गवर्नमेंट या प्राइवेट, तो सब में इसका नाम जरूर आता है। नेक्स्ट हमारा आता है 4 नंबर पर MS रामानिया मेडिकल कॉलेज बेंगलुरु, इसकी फीस भी बहुत कम है। जी हाँ, टोटल फीस की जो है वो 3,87,500 है। अगर आप बात करें ईयरली, तो ये जो ईयरली फीस है वो 77,000 पर ईयर। दोस्तों, बहुत ज़्यादा नहीं है, आसानी से आप अगर इसको डिवाइड करें ना मंथली, तो आपका लगभग ये 6-7 हज़ार रुपये महीने में आपकी फ़ीस हो जाती है और आसानी से इसको आप पे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा दोस्तों है टोपी वाला नेशनल मेडिकल कॉलेज मुंबई, और इसकी फ़ीस जो है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है। ये पर ईयर बात करें दोस्तों, तो 88,000 पर ईयर है। अगर हम टोटल फीस की बात करें तो 4,44,000 जो है कंप्लीट पैकेज होता है, अगर आप टोपी वाला नेशनल मेडिकल कॉलेज से जो है MBBS करना चाहते हैं। ये जो कॉलेज स्टेबल हुआ था तो ये 1921 में स्टेबल हुआ था, उसके बाद से लगातार यहाँ पर MBBS क्लासेस चलती रहती हैं। दोस्तों, बात करें अगर ये कॉलेज की, तो टॉप 25 जो मेडिकल कॉलेज इंडिया के हैं तो वहाँ इसका नाम आता है और वन ऑफ़ दी बेस्ट कॉलेज बॉम्बे का है, यहाँ से भी आप MBBS कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है उस्मानिया मेडिकल कॉलेज, 1846 में इस्टेब्लिश हुआ था, उसके बाद से लगातार अच्छा करता जा रहा है। इसकी जो टोटल फीस है वो 6 लाख है ना, 6 लाख है कंप्लीट फीस है, और अगर हम ईयरली बात करें दोस्तों, तो 1,20,000 पर ईयर है। ये भी आपके बजट का कॉलेज है और इस कॉलेज से भी आप MBBS कर सकते हैं। प्राइवेट बॉडी का है, लेकिन आप जितने भी कॉलेज आप देख रहे हैं सबकी फ़ीस नियर अबाउट गवर्नमेंट कॉलेज के समथिंग है। कुछ एक कॉलेज हैं जिनकी फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन ये अंडर बजट है, और जितनी आपने कोचिंग में पेमेंट किया था आकाश में या LN में, उतनी फीस यहाँ पर आपके MBBS फर्स्ट ईयर की फ़ीस हो जाती है। नेक्स्ट हमारा दोस्तों है महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अरोहा, और इसकी भी फीस जो है बहुत अच्छी है। मतलब आप अगर बात करें तो इसकी जो फीस आप देख रहे हैं, तो लगभग
2,32,820 रुपीज़ पर ईयर है, और कंप्लीट जो फीस है वो लगभग 10 लाख है, यानी कि इसकी फीस आपके कोटा की जो कंप्लीट पैकेज होता है उसी अकॉर्डिंग है। नहीं, अगर आप MBBS करना है महाराजा अग्रसेन मिडिल कॉलेज से तो आपको कोटा वाला खर्चा ही देना है, यानी कि आपकी जो फर्स्ट ईयर की फीस होगी वो 2,32,000 समथिंग है, आराम से इसको भी आप पेड कर सकते हैं। ये भी देश के प्रति चीपेस्ट मेडिकल कॉलेज में इसका नाम आता है और टॉप 100 रैंक में इस फीस का जो है शुमार है। नेक्स्ट हमारा दोस्तों है केम्पोडीवाडा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बेंगलुरु, और इसकी जो फीस वो एनुअल की है वो है 1,14,600, यानी कि ये जो कॉलेज है ये 1980 में इस्टेब्लिश हुआ था, उसके बाद से लगातार अच्छा करता जा रहा है, और कर्नाटका का कॉलेज है, यहाँ पर इसकी फीस भी आप देख रहे हैं बेहद कम है, यानी आपके LN के 1 ईयर की फीस है उसके समथिंग ही आपका यहाँ पर MBBS फर्स्ट ईयर कम्प्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रायपुर, इसकी जो कम्प्लीट पैकेज होता है 5 ईयर का वो होता है 25 लाख, यानी कि आपका जो 5 लाख पर ईयर का फीस है आप इस कॉलेज से MBBS कर सकते हैं। इसकी भी फीस बहुत ज़्यादा नहीं है, 5 लाख आप पेड कर सकते हैं, आप इस पर एजुकेशन लोन वगैरह भी ले सकते हैं, तो आपको काफ़ी आसानी होगी आप यहाँ से MBBS करना चाहते हैं। नेक्स्ट हमारा है श्री अरबिंदो मेडिकल कॉलेज इंदौर, और इसकी फीस जो होती है वो 6 लाख पर ईयर है। नेक्स्ट हमारा है तरन्ना मेडिकल कॉलेज नवी मुंबई, और इसकी जो कंप्लीट है वो है 30,94,350, यानी कि 6 लाख समथिंग में आप यहां से भी MBBS कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो उन कॉलेजेस से बेहतर कॉलेज है, सारे रैंक्ड कॉलेज हैं, और उनकी फ़ीस आपकी जो रसिया के फीस है वहां से तुलना में उसी अकॉर्डिंग है। और इसके अलावा आपकी जो एनुअल फीस होती है कुछ कॉलेज ऐसे हैं LN के कोटा या फिर आकाश के, उस अकॉर्डिंग भी इसकी फीस है, यानी हर एक बच्चा जो MBBS करना चाहता है प्राइवेट बॉडी से तो ये कॉलेज उनके लिए बेस्ट हो सकते हैं, और वो बच्चे इन टॉप 10 कॉलेजेस से MBBS भी कर सकते हैं। सो गाइस, आपके क्या विचार हैं, कॉलेज कैसे लगते हैं आप ज़रूर बताइएगा। एडमिशन लेने से पहले इन कॉलेज के ऑफिशियल साइट विजिट कर लीजिएगा, और एक बार आप सेल्फ से बात भी कर लीजिएगा कि कहीं कोई फीस थोड़ी सी इंक्रीज तो नहीं हुई है। फिलहाल के लिए अपने कमेंट्स हमें जरूर दें, वीडियो कैसे लगी भी हमें जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।